महाराष्ट्र में एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल को करारा झटका लगा है। बंटवारी के बाद अजीत कुमार गुट में आई छगन भुजबल को नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन अभी अटकलों पर विराम लग गया है। इधर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ने AIMP SP ने दावा किया है कि OBC समुदाय के सदस्य इस बात से नाराज हैं कि महायुति सहयोगियों ने नासिक लोकसभा सीट से छगन भुजबल को उम्मीदवार नहीं बनाया। छगन AIMP SP संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। संगठन के राज्य उपाध्यक्ष बाला साहब कटगर ने कहा है कि नासिक सीट से चुनाव लड़ने से पीछे हटने से 350 विभिन्न जातियों वाले OBC समुदाय में नाराजगी है, क्योंकि महायुति उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा में देरी हुई है। संगठन के सदस्यों ने दावा किया है कि इस बढ़ती नाराजगी में से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति संगठन को गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि OBC समुदाय के सदस्य 45% से अधिक मतदाता हैं और कोड़क, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कड़क ने कहा है कि राज्य में आम निर्वाचन होने के समय OBC मतदाताओं में महायुति के खिलाफ गलत संकेत आए थे। हमें आश्चर्य की जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नासिक सीट के लिए भुजबल का नाम प्रस्तावित किया था, तब राज्य में महायुति नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी पर क्यों औपचारिक घोषणा नहीं की और इसमें देरी क्यों कर दी। उन्होंने कहा है कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल महायुति के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेगा और उन्हें भुजबल को टिकट देने की जरूरत पर जोर देगा। उन्होंने कहा है कि मराठा कोटे मुद्दे पर भुजबल की रैलियों को राज्य में OBC समुदाय के 360 विभिन्न जातियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगर भुजबल को नासिक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली तो महायुति गठबंधन को चुनाव में फायदा हो सकता है, लेकिन अब जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस बात पर अनिश्चितता की है कि OBC मतदाता चुनाव में महायुति उम्मीदवारों के पीछे अपना समर्थन देगी या नहीं देंगे। भुजबल ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि OBC मतदाताओं में महायुति गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ कोई नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि मैं महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगा, जैसे कि मैंने हाल ही में विदर्भ के कुछ हिस्सों में किया था। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।